तू हमारे बॉडी का नंबर सेवन को मार कर दे। बहुत पहले मार चुका हूँ। अच्छा मजाक ना हो, जब गीदर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। होशियार हो जाएगा, होशियार हो जाओ, तुझको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। होशियार हो जाओ, होशियार। क्या करेगा लास्ट को? हमारे खेत में बहुत सारे साढ़ हवा थी तो इनके गाय महाजात में खड़ी आई। झंडे बाबू बहुत कमीना है, ले जाओ। क्या हुआ झंडे बाबू? कैसे मान रहे हैं? क्या हुआ? लाशियां मैं ले जाती हूँ। जैसे सवाइया मांगते ही वही लगे लहसिया था। झंडे बाबू थाने में रहो। आप तरफ ना तेरी गांव के सामने किसी का खून होते नहीं देखा था। मैं संशय हो रहा है। झंडे बाबू ये बताइए, आप हमारी इज्जत बचाने वाले इस चीन देश में आपको हमारे ऊपर तरफ कैसे आ गई? आप जो है उड़वान है, कौन है आप हमारी इज्जत को बचा लिए? पहचानो खूब पहचानो, बहुत बेवफा निकली तू। मैं वही कॉलेज का तुम्हारा क्लास फेलो मिस्टर रतन सिंह आज शहरी इंस्पेक्टर बन चुका है। मैं वही रतन सिंह हूँ दिया। हाँ हाँ मैं वही रतन सिंह बन गया शहरी इंस्पेक्टर मिस्टर रतन सिंह। बीरा जी देखिए सब कुछ मैं जानता हूँ इसलिए ज्यादा बेवफा मैं नहीं बेवफा। ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो अभी बचा है शीर का कम वक्त। बड़ा साहब श्री चांग और चांद डालिंग लड़की मिस जोशी, कहीं ऐसा ना हो यहां से निकल जाए अपने देश। आई देखते हो किधर कैसा बैठे ये मुल्क छोड़ के चली जाती है, यहाँ रहना ठीक नहीं, जान का खतरा है। ठीक है ये क्या चली कहाँ चली हो चूतिया बुलाई? मैं जा रही हूँ। तुम्हें चिन्ह सही किया हो? अरे पहचानोगी क्यों नहीं? तो का करे जात यहाँ जाना जवान कुछ लाए तो इधर आ। ऐसा कर मुझे यहाँ से किसी तरह निकाल दे। तू जो कहेगा वो करूँगी, तुझे माला माल कर दूंगी। क्या करोगी? जो कहेगा वो करूंगी। अरे किस्मत फायदा हुआ मान। प्यार करूंगी, प्यार प्यार करूं। आई लव यू। मैं ये सब कह रहा हूं बाबा। क्या बीड़ा क्या देते हो? बीड़ा लगातार बदल कर दीदी। कौन दीदी? वो दिन में तुम्हें भाभी कह रही थी, मेरे गाल पर थप्पड़ लगाकर कहा कि कौन भाभी? क्यों
तेरे ही वजह से मेरे भैया देश के लिए कुर्बान हो गए और तुमने कई की नहीं छोड़ी। आज तुझे बेमार मारूंगी मैं। नहीं दीदी, माफ कर दीदी, माफ कर दो। इसलिए बेटा तू नहीं को मुझको तो अब ये चलता है थोड़े से पहले का पहले का देना दवा से टूटा है और कुछ में से तेरी निशानी ना मिले और मारूंगी वहां जहां जादू सी ले जाएगा तू। जादूगर है? हाँ हाँ। देखता हूँ आज झंडवा तुम्हारी जादूगरी। ये जहाँ आया मैं बैठा रहा ये दिल्ली है दिल्ली बैठा मैं खड़ी हूँ। अंतर मंतर को रही की जगह न्यूरा पादे छू मंतर है तो खोला है मत खोला अरे हाँ ये लहास मुड़ी उठा ये दिल्ली बैठ गया खड़ी हुई लहास यहाँ चल कबा अब सही जगह मंतर मारे खड़ी अंतर मंतर को नहीं के जानता नेवरा पादे छू मंतर एल हास मुड़ी उठा एल हास बैठ हमारे गठान है एल हास निहुर और नीच की निहुर एल हास अब चल बीड़ा अब बचा है कमीना चीन का बड़ा साहब जिसका नाम है चीजांग आइए साथ देते किधर कर रहे मैं कमाल केशव सिंह और मिस लुसी सारी सेना के साथ रुका था इंडिया में। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली लगता मुझे भी इंडिया जाना ही पड़ेगा मैं चला। वेलकम वेलकम बॉडीगार्ड नंबर सेवन क्या खबर लाए हो? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नंबर सेवन ही बॉडीगार्ड नंबर सेवन को मारकर मैं हूँ मिस्टर जतन सिंह। एलियन सीआईडी इंस्पेक्टर ओरी हमारे मुल्क चीन में मिस्टर रतन सिंह ठीक है अच्छी जगह याद रख सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर रतन सिंह ये हमारा मुल्क चीन है यहाँ पर आने वालों के पाँव के निशान तो मिलते हैं लेकिन जाने वाले के पाँव के निशान निकालेंगे। अब तुझे मैं मौत के घाट पर
जिंदा। इस लाश को क्या करेगा? इलाहसिया तगरीबा ले जल्दी करो आराम से चिरवाई में। कम बात करें, ये नगरी का बोझा है। ये नीचे वाला हिस्सा के तख्ता बने। उठा लाश फरों ले जा। देखिए मेरा जी, इस समय चीन के सारे फौजी जवान मारे गए। इंडियन फौज की विजय हुई। आइए चलकर खुशखबरी इंडियन कामे से अमले साहब। सर जय हिंद। जय मेजर मास। यस सर। हमारे चार साल सीआईडी सेक्टर सीमा सड़क पर गए और अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, क्या हो रहा है सर? आज की डेट उनका वेट करते हैं, कल से इसकी तफ्तीश के लिए हम दूसरी टीम तैयार करेंगे सर। ठीक है। महान खुशखबरी। कौन खुशखबरी आओ मिस्टर बताओ सिंह। सर, इस समय चीन के सारे फौजी जवान मारे गए सर। शाबाश सर। अपने इंडियन फौज की बीए हुई सर। बहुत अच्छा। लेकिन सर, लेकिन क्या हुआ? एक बात के लिए महान खेद व कष्ट। कौन सी बात? अपनी भारत भूमि की रक्षा हेतु अपना नौजवान फौजी कमांडर रणजीत सिंह अपने याद को कुर्बान कर दिया सर। क्या कहा? कुर्बान कर दिया। वो हमारा बहादुर और ईमानदार सिपाही शहीद हो गया। जी हाँ सर। और कमांडर रणजीत सिंह की प्यारी बहन जिनका सुनाम बीड़ा है, उस सर मेरे साथ में है। सारी बातों से अवगत आपको खुद कराएंगे सर। बीड़ा जी प्लीज कमा। धन्यवाद रतन जी। सर मैं स्वर्गीय रणजीत कमांडर की बहन, मेरा नाम बीड़ा है। मेरे भैया को चीन के सैनिकों ने धोखे से अरेस्ट कर लिए और अपने कैंप में ले गए। उनके हाथों में हथेली लगी थी। उनका मकसद था कि मेरे भैया अपने भारत देश का नक्शा और भेज दे, लेकिन मेरे भैया बताने के लिए तैयार नहीं हुए। वहां का कमांडर जुजु से एक चांस दिया। उस कैंप में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मिसलू थी। वो मेरे घर गई और मुझे बहका फुसला कर छीन ले गई। क्या तुम्हें छीन ले गई? जी हाँ, तुम्हारे भैया के जान पर गोली लगी है। मैं वहां गई तो मेरे भैया मुझे देखकर अवाक हो गए और भेद बताने के लिए तैयार हो गए। सर मैंने सोची कि अगर भेद और नक्शा चीन के कुत्तों को मिल जाएगा तो मेरा देश फिर गुलाम हो जाएगा। इसलिए मैं अपने लिए, अपने भारत देश के बहु बेटियों की इज्जत के लिए मैंने लाल बचाने के लिए मैं अपने भैया को जिस हाथों से मैं रक्षा बंधन बांधती थी अपने भाई को कुर्बान कर दिया। वाह वाह बहन भैया, तू तो महान हो। तुम जैसे नारी अगर भारत देश में पैदा होती रहेगी, चीन तो क्या कोई देश नजर उठाकर देख नहीं सकता। बहन तुम्हारी तारीफ करना तो सूरज को चिरा देता। लेकिन सर मुझे एक ही बात का दुख है और कुछ नहीं। बात तो है कि आज के बाद जब भी रक्षाबंधन का पर्व आएगा, हर बहने अपने भाई की कलाई में रक्षाबंधन बांधेगी। लेकिन ये बीड़ा
आज के बाद अपने भैया की कड़ाई में रखा बंदा नहीं बांधने को पाओगी, क्योंकि आप इस दुनिया में मेरा कोई भैया नहीं रहा। मेरा बहन भैया ऐसा न करो बहन, तुमने इस देश के लिए एक भाई खोया है, हम सब तुम्हारे भाई हैं बहन, सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। अरे भैया मेरे, भैया मेरे राखी के बंधन, जो होना था सब हो गया, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है बहन, घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम सब तुम्हारे भाई हैं बहन। लेकिन मेरे भैया की ख्वाहिश अधूरी नहीं गई, कहते थे मेरे भैया बिया तेरी शादी तेरी सगाई इतनी धूमधाम से करूंगा कि उदयपुर के रिवासी दुनिया देखती रह जाएगी, क्या जी के बाहर हमारे कमांडर रणवीर सिंह का जो सपना अधूरा रह गया उसे हम लोग पूरा करके दिखाएंगे बहन, तुम्हारी शादी ऐसे करेंगे धूमधाम से बहन। भैया एक मेरी ख्वाहिश है। कौन सी ख्वाहिश है? उसे आप लोग पूरा कर दीजिए। बोलो क्या चाहते हैं? ख्वाहिश यही है कि मेरे भैया की आत्मा की शांति के लिए वो चाहे जहां पर उनकी आत्मा भटकती हो, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए सिर्फ 2 मिनट का मौन व्रत रखना चाहती हूँ, ताकि मेरे भैया के तड़पते आत्मा को शांति मिल जाए। भगवान ठीक है बहन, ऐसा ही होगा। जो होना था सो जी हो चुका है, क्या इसके बाद आप कुछ सर कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं सुनता हूँ तुम बीड़ा से प्यार करते हो। सर मैं बीड़ा से प्यार ही नहीं बल्कि बेहद प्यार करता हूँ सर। क्यों बहन बीड़ा, ये सच है? ठीक है बहन, कोई बात नहीं, मेरे मान सिंह क्यों ना अपनी बहन बीड़ा की शादी सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर रतन सिंह के साथ में कर दे। बड़ी अच्छी सी बात हो जाएगी सर। ठीक है मिस्टर रतन सिंह, ये वादा करो कि हम मरते दम तक बीड़ा का साथ निभाएंगे। सर आप सबको साक्षी मानते हुए मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके सामने भगवान को साक्षी मानते हुए विश्वास लेता हूं कि बीड़ा जी का जीवन पर्यंत साथ निभाऊंगा सर। बहुत अच्छा, ठीक है मेजरमान सिंह, आप तो मैं दोनों का हाथ मिला लेता हूं, आओ शादी की तैयारियां करो, बाद में बहन बीड़ा की शादी धूमधाम से करेंगे। हम नया नया
किसके साथ करवा रहे तुम? हेलो सर, आप लोग चलिए आराम फरमाइए, हम और भी आदमी आए। चलिए नजर वहां से चलते हैं। जी हाँ, एक बार पुनः और संगीत पार्टी के प्रांगण में आए हुए समस्त दर्शक प्रेमियों, भाई माताओं, बहनों, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों का पार्टी तहे से हार्दिक स्वागत करते हुए, तो लीजिए ये संगीत बिरंदान उस भाई की कुर्बानी अर्थात सी भारत की लड़ाई। दोस्तों संगीत समाप्त होती है, गुस्ताखी के लिए क्षमा प्रार्थी है बिया जी। और थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है।